और अपने फायदे लेते रहे। आप भी बराबर के शरीक हैं, आप पर मन नहीं है। आपकी बलबोते पे बलोचिस्तान जल रहा है, हर जगह आग लगी हुई है, लोग मर रहे हैं। बुलेदी साहब मेरे ख्याल से ये हिसाब जो इलेक्शन में आप लोगों को दोगे, आप तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। भी मैं उनको दहशतगर्द समझता हूँ। मेरी मेरी बात का मुराद ये था कि वो क्या मुहरकात हैं जो लोग इस नेज तक पहुँच गए हैं। वो मुहरकात नाहली है, वो मुहरकात हक तलफी है, वो मुहरकात पोस्टों की बेचना है, वो मुहरकात हकूमत का ना होना है। जनाब स्पीकर, दूसरी बात जनाब स्पीकर, मेरे भाई जो है, मैं लग रहा था कि वो होम मिनिस्टर साहब एक नहीं बोल रहे हैं बल्कि एक जो है आम बंदा जो है किसी बात का जवाब दे रहे हैं। उनकी बातों में ना कोई दलील थी ना कोई डेप्थ था। जनाब स्पीकर, समरिया साइन करने से गवर्नेंस बेहतर नहीं होती, गवर्नेंस अच्छे पॉलिसियों से बेहतर होती है। मैंने जो पॉइंट रेस किए हैं नौकरियों के बेचने के हवाले से, जनाब स्पीकर रमजान का महीना है, अभी अफ्तार होगा, सब लोग जितने भी मेंबरान बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला को आजर नाजर जानकर ये कहें कि नौकरियां नहीं बिक रही। मिनिस्टर्स के पीएस जो हैं नौकरियां बेचने में मुलव्वस नहीं है, क्या रेट फिक्स नहीं है? ठीक, मैंने अगर मेरी बात गलत हुई, इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और इस बाबरकत महीने में इस तरह जो है सफेद झूठ बोल के अपने आप को जो है मजीद जो है गुनाहों के दलदल में फेंक रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहां तक सीएम साहब की जो दिफा कर रहे थे, उनको करना भी चाहिए, उनका मिनिस्टर है, शायद पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी उनको अच्छे खासे मिल रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो जो कारनामे लोगों में जो है करप्शन के हवाले से मशहूर हैं, जो नींद के हवाले से जो है मशहूर हैं कि एक एक हफ्ते तक जो है सीएम साहब सोए पड़े होते हैं, क्या मजबूरी है? कोई नॉर्मल इंसान जो है 8 घंटे से सो सकता है? जनाब स्पीकर, अगर अगर मेरी बात पर इनको इनको शक है तो गवर्नर बलूचिस्तान एक मेडिकल कमेटी बना दे, मेडिकल कमेटी का फैसला आए कि आया क्या मुहरकात है, वो सोता है, वो अपने फराइज की डिस्पेंसेशन के काबिल नहीं रहे। जनाब स्पीकर, दुनिया से कार्रवाई की तरफ आते हैं, क्रॉस टॉक ज्यादा हो गया। वहां पे जो इस तरह के मफलूज लोग होते हैं उनको जो है बाइज्जत बर्खास्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे वजीर आला बैठाया हुआ है।